देश की सियासत से निकलकर रुख करते हैं कनाडा का। दोनों मुल्कों में तल्ख रिश्तों के बीच पब्लिक इंटरेस्ट में बात उन बच्चों की करनी है जिनका सपना कनाडा में पढ़ाई करना या फिर वहां पर पढ़ाई करने के बाद बस जाना है। कनाडा ड्रीम पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि एक तो कनाडा में महंगाई के कारण गुजर बसर महंगी हो गई है, दूसरा कनाडा की यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोग्राम देखकर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए वहां हालात मुश्किल हुए हैं। अगर आपका बच्चा कनाडा की फ्लाइट पकड़ना चाहता है या पकड़ने की तैयारी कर रहा है तो इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान से देखिए। पीआर हो या स्टूडेंट वीजा, नौकरी के लिए जाना हो या फिर घूमने फिरने, पंजाब का दिल कनाडा में बसता है, प्रायोरिटी यही रहती है। मगर पिछले साल वाला कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम वाला डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। एक्सप्रेस एंट्री यानी कनाडा जाकर बसने का आधिकारिक तरीका, आंकड़े देखिए। 2021 में कनाडा की सरकार ने 1,14,000 लोगों को पीआर के लिए इनवाइट किया। 2022 में इस संख्या में 59% की गिरावट आई। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत सिर्फ 46,539 लोगों को ही बुलाया गया और इनमें से भी करीब 21,000 भारतीय थे। यही वजह है कि पंजाब के कोचिंग इंस्टीट्यूट कनाडा में बसाने या वहां पढ़ाने का सपना बच्चों के सामने परोसते हैं। और मेरा शुरू से यही ओपिनियन था कि कनाडा ही जाना है, बट अब के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न है। इंडिया ने ही बैन करा है कैनेडियन वीज़ा, सो अभी कनाडा की तरफ से तो कुछ आया नहीं है, तो फिर कनाडा ही है अभी। मेरा मन है वहाँ पे रहने का, क्योंकि अभी मैं आईएलटीएस कर रही हूँ, तो अभी जब पेपर देने का भी मन है तो बैंड स्कोर्स आएंगे, मैं प्रिपेयर भी हूँ, तो ऑफकोर्स मैं जाना चाहती हूँ अभी। लेकिन कनाडा की हकीकत है क्या? वहाँ जाने वाले बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्या बेगानों की भीड़ में अकेले सरवाइव करना आसान है? हमने जवाब उनसे जाना जो कनाडा में एजुकेशन और फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ वक्त गुजार चुके हैं। पंजाब भवन कनाडा के फाउंडर सुखी बाट। वहाँ के इंटरेस्ट रेट जो है बैंक के कहाँ 2%, 2.5%, आज 8% पर है। गवर्नमेंट की तरफ से घर ना बनाना और जॉब्स ना पैदा करना और पंजाब से बच्चों का अन प्लान जाना, जब हम सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो ये सिचुएशन, इसलिए सिचुएशन अभी ख़राब हुई है। हमारा सवाल था, अगर कनाडा वाकई बच्चों के लिए इतना महंगा है तो फिर अंडर ग्रेजुएट्स किस हाल में रहते हैं? जवाब सुना तो तकलीफ का अंदाज़ा लग गया। अकोमोडेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है वहाँ, 1500-1600 कैनेडियन डॉलर एक बेडरूम का देना पड़ता है, क्यों जॉब मिल नहीं रही है और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं, महंगाई है वो बड़ी ऊपर है, सो इसलिए वो बच्चों को काफ़ी टेंशन है, बच्चे थोड़े दुखी हैं। जो बात सुखी बाट ने बताई उसका सबूत खुद कनाडा की यूनिवर्सिटी से भी मिला। टोरंटो यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, खासकर भारतीयों को, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और इमिग्रेशन जैसे मामलों में मदद करेगी। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज, वीजा सपोर्ट और मेंटल हेल्थ पोर्टल की शुरुआत की। टोरंटो विश्वविद्यालय में 2,400 भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन पूरे कनाडा में इस वक्त करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कोई 3 साल, कोई 5 साल वाला कोर्स करता है। सवाल यह है कि 5 साल में बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होता है और पढ़ाई के बाद वहाँ नौकरी मिलने का चांस कितना है? कनाडा में बच्चों को पीआर होने के लिए मिनिमम 5 साल चाहिए। पूरा कैलकुलेट करें 60-65-70 से भी ऊपर लाख रुपया का टोटल खर्च हो, गिनता हूँ जैसे मैं गिनता हूँ, सो उसमें से चलो मान ले वो काम भी कर लेंगे थोड़ा बड़ा, 10-20 लाख रुपया वहाँ बना लेंगे, बच्चों के माँ बाप के पास आने वाले 5 सालों के लिए 50 लाख रुपया अवेलेबल नहीं है, तो उनको मेरी बड़ी निम्रता से बेनती है कि वो अपने बच्चों को अभी रोक लें। भारत कनाडा विवाद ना होता तो शायद इन मुद्दों पर बात भी नहीं होती। ये सही है कि कनाडा की इकोनॉमी खस्ता हाल है, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, मकान महंगे हो रहे हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि बच्चों की पहली पसंद अब भी कनाडा ही है। अब अगर विवाद जारी रहता है
वीजा प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। सवाल सिर्फ बच्चों के भविष्य का नहीं है, कारोबार का भी है। आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कनाडा से हम मसूर की दाल मंगाते हैं। दोनों देशों के बीच वैसी दाल नहीं गल रही है, लेकिन विवाद और बढ़ा तो इसका असर हो सकता है आपकी रसोई पर भी आ जाए। अभी तक कारोबारी इस पूरे विवाद पर चुप थे, लेकिन अमेरिका हो या कनाडा, अब खुलकर बोलने लगे हैं। The people who are talking about Khalistan, they have never been to Punjab. I don't know what are they thinking about it. They're very less, whether they are in Canada mostly or a little bit in America, but there's nobody to there to support them. We all six, everybody, I'll say 99, more than 99%, we love India. India is our country. Not the Khalistan. Nobody's interested in Khalistan. संसिंह चटवाल भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी हैं, एक बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के मालिक हैं। भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है, मगर जो बात चटवाल साहब कह रहे थे वो ज्यादातर लोगों की भी आवाज है। खालिस्तान की हवा निकल चुकी है और इसको खामखा देने वालों पर एक्शन भी हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।